हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे ऑल योर सर्विस चैनल। जो आज हम एक हीटर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पुश स्विच है और इसमें क्या समस्या है जो आपको हम दिखाएंगे अब चेक करके। तो हम अभी लाइन इसमें डाल रहे हैं और सब चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लाइन इसमें डाल चुके हैं और हमारा एक ही हीटर जल रहा है। इसमें तीन हीटर का ये था, तो हम इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसे खोलने लग जाते हैं। आप देखिए, आपको इस तरीके से खोलना है। आपने एक स्क्रू ड्राइवर सहायता से इसे बारी बारी से खोल लेना है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा स्क्रू लगा हुआ है, तो हमें इसे टोटल खोल लेना है। खोलते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपका ये स्क्रू फेल भी हो सकता है और ये हमारा प्लास्टिक कवर जो है फूट भी सकता है। तो इस तरीका से खोलना है और ये इसमें हमारा कुछ लॉक होगा, तो उस लॉक को भी अच्छा तरीका से खोलेंगे। इसमें हमारा बहुत काफ़ी स्क्रू लगा हुआ था, तो हमने खोल चुके हैं इसे। तो हम इसे लॉक को हाथ की सहायता से खोल रहे हैं। तो इस तरीका से खोलने के तरीका जो है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो जल्दबाजी करेंगे तो आपके ये लॉक जो प्लास्टिक का है जो है टूट भी सकता है। तो इसे बारी बारी से खोलना है और इसमें हमारा कुछ कवर भी लगा हुआ है, तो उसको भी हटाएंगे हम। इसमें हमारा दो कवर है, उसको भी हटा देंगे, नहीं तो आपको हीट कॉइल नहीं दिखाएगा। ये जो हमारा हीटर का जो वायर होता है, ये लॉक में लग फंसा हुआ रहता है, तो इसे हम खोलेंगे। हाथ की सहायता से नहीं खुलता है, ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खुलता है, जो माइनस होता है स्क्रू ड्राइवर। तो इस ये माइनस ड्राइवर से खोल रहे हैं। तो हमने इसे चार कनेक्शन भी हटा चुके हैं। हमारा दो हीटर कॉइल जो था वो नहीं बोल रहा था, तो हमने इसे कवर को भी हटा चुके हैं और इसमें हम दो कॉइल चेंज करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने हीटर कॉइल ले चुके हैं, इसे सेटिंग करने जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से सेटिंग करना है, जिसमें हमारा खांच दिया हुआ रहता है उस तरीके से इसे सेटिंग करना है और इसमें लॉक भी होता है, उस लॉक को सेटिंग कर देना है। और एक और लगेगा, हमने एक ही लगाए थे। और दूसरा भी हम लगा रहे हैं। इस तरीके से सेटिंग करने के बाद इसमें भी लॉक होता है, उस लॉक को भी सेटिंग करेंगे। और हम ये लॉक लगा चुके हैं, जो हमारा हीटिंग कॉइल जो है ये घुसक फुसक ना होगा और हिल डोल भी नहीं होने के चांस रहता है। और हम इसको पिन के सेटिंग कर देंगे, जो हमारे इसमें लाइन का पिन होता है।
तो हमने सेटिंग कर चुके हैं, तो इस साइड भी सेटिंग करेंगे। तो हमने सेटिंग कर चुके हैं इसका भी पिन का, तो इसे हम लाइन डाल कर चेक करेंगे जो हमारा हीटिंग कॉइल जो है जो काम करता है कि नहीं करता है। तो हमारा कॉइल काम कर रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो में। इसे हम बारीक बारीक भी चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा हीटर बारीक बारीक भी काम कर रहा है। जो हमारा स्विच होता है उस स्विच के माध्यम से हम चेंज कर रहे हैं इसे। तो ये हमारा हीटर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हमारा दो हीटर जल चुका था, तो उसको हमें चेंज कर चुके हैं। तो अब इसे फिर से इसे बॉडी सेट कर देंगे। तो ये हमारा जाल है, ये एलुमिनियम का जाल रहता है, इसे बहुत पतला है। इसे हम इसके साइज हिसाब से सेटिंग कर देना है। इसमें लॉक भी होता है, तो उस लॉक को भी सेटिंग कर देना है। और ये थोड़ा मिस्टेक होगा तो जाल ख़त्म भी हो सकता है, तो उसको साइज में रखना है। इसमें कुछ खांच दिया होता है, उससे उस खांचे में से सेटिंग करना है। और ये हमारा जो ये हार्ड जाल है, इस जाल को भी आप सही तरीक़े से लगाना है, नहीं तो अगर सही तरीक़े से नहीं लगाएंगे तो आपका ये जो बॉडी इसको है जो हमारा हीटर का बॉडी जो है तो उस सेट नहीं होगा। तो आप इस तरीक़े से सेटिंग कर दीजिए। थोड़ा मिस्टेक भी होगा तो ये सेटिंग नहीं होगा। तो इस तरीका से सेटिंग करने से वह साइज अच्छा तरीका सेटिंग हो जाएगा, और इसका जो कुछ लॉक होता है वो लॉक सेट ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा। तो हमारा ये बॉडी जो है अपना शेप पे आ चुका है। तो इसे हम स्क्रू ड्राइवर से ऐसे टाइट कर देंगे। ये हमारा पहली तरह जिस तरह खोले थे उसी तरह से इसको टाइट करेंगे। तो हमें जितने स्क्रू इसमें खोले थे सब इसमें हम बारी बारी से लगा देंगे, नहीं तो कहीं भी हमारा स्क्रू एक भी ढीला रह जाएगा तो हमारा बॉडी जो है गिरने पर फूट से भी सकता है। और इसे सेटिंग करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, इसे हर एक चीज़ जाँच कर टाइट कर लेना अच्छा रहता है। तो हमारा ये बॉडी जो है अपने शेप में आ चुका है और कहीं भी मिस्टेक नहीं है। हमने सारे के सारे स्क्रू इसमें टाइट लगभग हो चुका है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए। तो गैज आप देख रहे हैं जो हमारा ये अभी बॉडी जो है ये टाइट हो चुका है, इसको हम रीचेक करके दिखाएंगे आपका। तो ये हमारा बॉडी कंप्लीट हो चुका है, हम दवा से भी चीज़ को चेक करेंगे। ये हमारा जो है पुश स्विच है, इसको दाबने के बाद ही लाइन इनपुट होता है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't want
what's left. The storms we chase are leading us.